2014 चुनाव में मोदी को क्यों मिला था बहुमत? क्या अपने लक्ष्य से भटक गए हैं पीएम मोदी? राम मंदिर और तीन तलाक, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के लिए ये दोनों मुद्दे संजीवनी की तरह हैं। एक ने बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई तो दूसरे ने मुस्लिम समुदाय के बीच पैठ बनाने में मदद की। राम मंदिर मुद्दे के कोर्ट में होने के चलते मोदी सरकार तीन तलाक को लेकर ज्यादा सक्रिय है, लेकिन उसका ऐसा करना वीएचपी को रास नहीं आ रहा है। दरअसल तीन तलाक और राम मंदिर के बहाने विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अपने एक बयान में तोगड़िया ने कहा कि लोगों ने एनडीए को राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया था, ट्रिपल तलाक कानून बनाने के लिए नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून बनाने की भी अपील की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और परभामी में दो दिवसीय यात्रा पर आए तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून पास किया जाना चाहिए ताकि इसका निर्माण जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर कानून बने या न बने, मगर राम मंदिर के लिए कानून बनना ही चाहिए। तोगड़िया ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अब तक मंदिर नहीं बना। तोगड़िया यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी के लिए आधी रात को संसद में बुलाती है तो फिर राम मंदिर के लिए ऐसा क्यों नहीं करती? बीजेपी को सत्ता में आए 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन सरकार ने अब तक राम मंदिर मुद्दे पर कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर कानून पास कराने के लिए संसद के दोनों सदन का संयुक्त सेशन बुलाने की भी तोगड़िया ने मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में प्रवीण तोगड़िया ने पीएम मोदी से अपने बिगड़े रिश्ते को सुधारने की पहल की थी। पीएम के नाम अपने संदेश में तोगड़िया ने देश और हिंदुत्व के हित में सभी मतभेद भुलाकर साथ आने की अपील की थी, लेकिन इस अपील के महज कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक बार फिर से पीएम पर हमला बोला है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।